और शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ कि चंडीगढ़ से आने वाले एक नौजवान शायर को आपके बीच पेश करूँ और उस शायर के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों आहंग की शायरी आपकी खिदमत में पेश की जाए, इस उम्मीद के साथ मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी के चार मिसरे अदाते हैं कि जलजलों के खौफ से क्या घर पर पना छोड़ दे, हादसों की जल से है तो मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे, प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कहके तो देख, एक तेरा तर ही क्या सारा जमाना छोड़ दे। आइए जिंदगी में मोहब्बत के जज्बात और एहसास और उसके साथ जिंदगी के कड़वाहटों को शामिल करते हैं और करते हैं चंडीगढ़ से आने वाले मेहमान शायर जनाब वरुण आनंद से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब वरुण आनंद से मैं मुंतमिस हूं कि वो तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, आपके दियार में पहली बार हाजिरी और पहला मुशायरा, आप सबसे मोहब्बतों की उम्मीद रखता हूँ। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मतलब कुछ यूं कहा है कि गमों में डूबे रहते हैं, खुशी अच्छी नहीं लगती। गमों में डूबे रहते हैं, खुशी अच्छी नहीं लगती। गमों में डूबे रहते हैं, खुशी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। न जाने क्यों जुदाई की ही बातें करते रहते हो। क्या कहना, न जाने क्यों जुदाई की ही बातें करते रहते हो। तुम्हें क्या मेरे चेहरे पे हंसी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें क्या मेरे चेहरे पे हंसी अच्छी नहीं लगती। और ये शेर आप सबकी नजर करना चाहता। न जाने क्यों जुदाई की ही बातें करते रहते हो। क्या कहना, न जाने क्यों जुदाई की ही बातें करते रहते हो। तुम्हें क्या मेरे चेहरे पे हंसी अच्छी नहीं लगती। और ये शेर आप सबकी नजर करना चाहूंगा, समाप्त फरमाइएगा। कि वहां की धूल पाने को भी हर कोई तरसता है। क्या कहना बाबा, वहां की धूल पाने को भी हर कोई तरसता है। वहां की धूल पाने को भी हर कोई तरसता है। किसे आखिर मदीने की गली अच्छी नहीं लगती। क्या कहना वरुण आनंद साहब, वहां की धूल पाने को भी हर कोई तरसता है। किसे आखिर मदीने की गली अच्छी नहीं लगती। और एक गजल के चंद चार लाइनें सुनाइएगा। अच्छा, मतलब कुछ यूं कहा है कि अपना मेयार ना किरदार बचाओ पहले। अपना मेयार न किरदार बचाओ पहले। अपना मेयार न किरदार बचाओ पहले। वाह, सर से गिरती हुई दस्तार बचाओ पहले। क्या कहना, क्या कहना बाबा। अपना मेयार न किरदार बचाओ पहले। सर से गिरती हुई दस्तार बचाओ पहले। और यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रही है, लेकिन मेरी गाड़ी आज 16 घंटे लेट थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जापानी जापानी रेल चलाना चाहते हैं, पहले अपनी भारतीय रेल को सही से चला लीजिए जी। और ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं कि हम जापानी ट्रेन चला रहे हैं, हमारी हालत अभी भारतीय रेल चलाने की भी नहीं है। शेर सुनिएगा। अपना मेयार न किरदार बचाओ पहले। सर से गिरती हुई दस्तार बचाओ पहले। टांगना बाद में तुम बाम पे झूमर उमर। टांगना बाद में तुम बाम पे झूमर उमर। घर की गिरती हुई दीवार बचाओ पहले। भाई क्या कहना वरुण आनंद, किस सलीके के साथ शेर कह दिया। वाह वाह, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। टांगना बाद में तुम बाम पे झूमर उमर। क्या कहना, वाह। घर की गिरती हुई दीवार बचाओ पहले। मुल्क को कैसे बचाना है ये फिर सोचेंगे। वाह वाह,
ملک کو کیسے بچانا ہے یہ پھر سوچیں گے۔ آپ جھوٹوں کی یہ سرکار بچاؤ پہلے، کیا کہنا کیا کہنا، ملک کو کیسے بچانا ہے یہ پھر سوچیں گے۔ آپ جھوٹوں کی یہ سرکار بچاؤ پہلے۔ ایک غزل ملاحظہ فرمائیے گا، جی جی بھائی، مطلب سماعت فرمائیے گا کہ ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی، ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی، ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی، ادھر مندر جلا ڈالا ادھر مسجد جلا ڈالی، واہ 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 واہ، ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی، ادھر مندر جلا ڈالا ادھر مسجد جلا ڈالی، حکومت کے اشاروں پر یہاں ہوتا رہا ہے سب، واہ واہ، حکومت کے اشاروں پر یہاں ہوتا رہا ہے سب، وطن کی سیاست نے یہ کیا حالت بنا ڈالی، کیا کہنا کیا کہنا، حکومت کے اشاروں پر یہاں ہوتا رہا ہے سب، وطن کی سیاست نے یہ کیا حالت بنا ڈالی، غریبوں کے کبھی منہ سے نوالے چھینے ہیں اس نے، واہ واہ، غریبوں کے کبھی منہ سے نوالے چھینے ہیں اس نے، کبھی اونچی عمارت کے لیے بستی جلا ڈالی، واہ واہ واہ، غریبوں کے کبھی منہ سے نوالے چھینے ہیں اس نے، کبھی اونچی عمارت کے لیے بستی جلا ڈالی، واہ، اور یہ شعر کیا کچھ بھی نہیں پہلے فسادی یاد جب گھر کی، کیا کہنا، واہ، کیا کچھ بھی نہیں پہلے فسادی یاد جب گھر کی، کیا کچھ بھی نہیں پہلے فسادی یاد جب گھر کی، ہوا جب ختم سب کچھ تو ہمیں لاشیں گنا ڈالی، واہ واہ واہ، کیا کچھ بھی نہیں پہلے فسادی یاد جب گھر کی، ہوا جب ختم سب کچھ تو ہمیں لاشیں گنا ڈالی، سوائے شور کے صاحب ہمارے جانتے کیا ہیں، سوائے شور کے صاحب ہمارے جانتے کیا ہیں، سوائے شور کے صاحب ہمارے جانتے کیا ہیں، کبھی جموں ہلا ڈالا کبھی دلی ہلا ڈالی، کبھی جموں ہلا ڈالا کبھی دلی ہلا ڈالی، اور آخری شعر اس غزل کا کہ یہ باتیں وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ نہیں سکتی، کیا کہنا، یہ باتیں وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ نہیں سکتی، یہ باتیں وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ نہیں سکتی، مگر جس کو سنانی تھی اسے ہم نے سنا ڈالی، واہ، مگر جس کو سنانی تھی اسے ہم نے سنا ڈالی۔ چار جس کے ترنم سے پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد اجازت، جی بھائی، ہمارے
करना। जहां पर भी गिरे होंगे हमारे खून के कतरे, जहां पर भी गिरे होंगे हमारे खून के कतरे, जहां पर भी गिरे होंगे हमारे खून के कतरे, जहां पर भी गिरे होंगे वही साथियों जनाब।